बीते 1 दिसंबर को एक दुर्घटना में दुर्घटनाग्रस्त हुए जुड़वा शहर के विशाल नवलकर नामक 42 वर्षीय युवक का ब्रेन डेड हो जाने के बाद 3 दिसंबर की सुबह परतवाड़ा में डॉक्टर आशीष भंसाली के अस्पताल में इस युवक पर अवयव दान प्रक्रिया संपन्न हुई, जो आज के दौर में मानवीय संवेदनाओं से जुड़ी एक मिसाल के रूप में बड़ी बात है। जानकारी के मुताबिक जुड़वा शहर के विदर्भ मिल परिसर के निवासी विशाल नवलकर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और राज्य मंत्री बच्चू कड़ू के प्रहार जनशक्ति पक्ष का कार्यकर्ता था। दुर्घटना में ब्रेन डेड हो जाने के बाद डॉक्टर आशीष भंसाली ने नवलकर परिवार सहित प्रहार पदाधिकारी बल्लू जवंजार से अवयव दान की संकल्पना प्रेषित की थी, जिसके बाद विशाल के माता पिता सहित पत्नी ने उनके परिवार पर असमय हुए बेहद दुखदायी आघात के बावजूद विशाल के शरीर से अवयव दान किए जाने का साहसिक एवं प्रेरणादायी फैसला लिया, जिसके बाद मानवीय जीवन में इस फैसले को लेकर सार्वजनिक रूप से नवलकर परिवार सहित इस प्रक्रिया के लिए संकल्पना देने वाले डॉक्टर भंसाली विशाल का जीवन बचाने से लेकर अवयव दान की प्रक्रिया संपन्न करवाने तक प्रहार पदाधिकारी बल्लू जवंजाड़ अमरावती की हरिणा फाउंडेशन सहित प्रक्रिया में सहयोगियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जा रही है। बीती 1 दिसंबर को अचलपुर परतवाड़ा रोड पर स्थित कृषि उपज मंडी के पास स्थानीय मिल कॉलोनी परिसर में रहने वाले विशाल नवलकर नामक युवक ऑटो में सफर करते वक्त मिर्गी आने से सड़क पर गिर गए थे। उन्हें तत्काल इलाज के लिए उस परिसर में स्थित अस्पतालों में इलाजरत करवाए जाने के बाद डॉक्टर आशीष भंसाली के अस्पताल में एडमिट करवाया गया था, जहां डॉक्टर भंसाली ने विशाल का ब्रेनडेड हो जाने की जानकारी उसके परिवार सहित प्रहार के पदाधिकारी बल्लू जवंजार को दी थी। उस समय उन्होंने इन लोगों को अवयव दान की संकल्पना से भी अवगत करवाया था। तब इस बात का विचार कर विशाल के परिजनों ने विशाल के अवयव दान की स्वीकृति बल्लू जवंजार द्वारा डॉक्टर आशीष भंसाली को दी, जिसके बाद 4 दिसंबर की सुबह परतवाड़ा के डॉक्टर आशीष भंसाली के अस्पताल में इस प्रहार के प्रहरी विशाल के शरीर से अवयव दान प्रक्रिया संपन्न की गई। इस अवयव दान प्रक्रिया से अन्य 5 से 7 लोगों को जीवनदान मिलने की बात सामने आ रही है, जो वाकई में सामाजिक स्तर पर बहुत बड़ी मिसाल का सूचक है। विशाल के शरीर से प्राप्त लीवर नागपुर के न्यू इरा हॉस्पिटल, एक किडनी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, दूसरी किडनी केयर हॉस्पिटल सहित आंखें अमरावती की हरिणा फाउंडेशन को ग्रीन कॉरिडोर के बीच परतवाड़ा से रवाना किए गए। आज के दौर में जहां निरंतर अपनेपन का रास होता चला जा रहा, वहां विशाल के परिवार ने अपना विशाल हृदय कर दूसरों के जीवन में उजाला किया। इसका महत्व मानवीय जीवन सहित जिनके जीवन में उजाला हुआ उनके लिए अनमोल है, इसलिए इस घटना को मानवीय जीवन की अनन्य घटना के रूप में देखा जा रहा है। जय कुमार गिया के साथ पंकज साबू, विदर्भ न्यूज, परतवाड़ा।